Hello, my dear learners. Today we are just going to complete a very important topic, that is learning domains. As we all know that we have a three learning domains. That first is cognitive domain, which is basically related to mental skills and knowledge. And the second is affective domain, which is a particular related to growth in feeling and emotional areas, like your attitudes and yourself. And third is psychomotor domain, which is related to manual work and physical skill. और इन्हीं सभी जो हम लर्निंग डोमेन्स से ही हम लोग अपने लर्निंग आउटकम्स बनाते हैं. जैसे कि आपने यहाँ देख भी रहे हो, इस पर आप ध्यान से देख भी सकते हो. जस्ट वेट, आई जस्ट वॉन्ट टू सिलेक्ट यस. सो अकॉर्डिंग टू डी एस ब्लूम, आपने इनका नाम सुना भी होगा. तो डी एस ब्लूम ने ऐसे कुछ बिहेवियरल चेंजेस दिए थे. सो बिहेवियरल चेंजेस कैन बी क्लासिफाई इनटू द थ्री अप्रोचेस. तो बेसिकली ये रहता है कि जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमने लर्निंग डोमेन्स हैं कि बच्चा किस डोमेन से सीखता है, राइट. वो मेंटल, कई बार अपने मेंटल स्किल्स का ज़्यादा यूज़ करता है, कई बार बिहेवियर से सीखता है, राइट. अपने उसको फील होता है, फील होने के बाद वो चीज़ों को सीखता है. और कई बार जो लास्ट वाला हमारा डोमेन है साइको मोटर, साइको दैट बेसिकली रिलेटेड टू माइंड और मोटर दैट मीन फिजिकल एक्टिविटी. सो साइको मोटर यानी बच्चा कुछ करके सीखा, यानी लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है. तो वो बेसिकली आपका जब डूइंग का क्वेश्चन बार बार DSSB में या फिर KVS में एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि डूइंग का एस्पेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर साइको मोटर को सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ जो आपको दिए हैं कि हम जब अपना लेसन प्लान फॉर्म्स करते हैं या ब्लूम टैक्सोनॉमी का जब बात आता है कि जब आप लर्निंग आउटकम्स को डिज़ाइन करते हो तो उसको बिहेवियरल टर्म में कैसे लिखोगे, तो किस डोमेन्स के लिए किस बिहेवियरल टर्म्स का यूज़ होता है वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी. लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से लर्निंग डोमेन्स हैं और उसमें क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट. सो अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हो बी एस ब्लूम्स बिहेवियरल चेंजेस कैन बी क्लासीफाइड इन टू द थ्री अप्रोचेस, राइट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर थ्री टाइप्स. ओके, तो देखते हैं वो तीन टाइप्स क्या हैं. सबसे पहला है आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, फिर अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और फिर साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव. जैसा कि कॉग्निटिव का आपको पता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड स्किल्स, ठीक है. तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें शामिल होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में. द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन. इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, प्रिंसिपल्स, लॉ एंड थ्योरी, ठीक है. यानी नॉलेज आती है वो रिलेटेड हो सकती है किसी लॉ से भी, किसी थ्योरी से भी, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से भी हो सकती है, कोई फैक्ट भी हो सकता है जो आपने याद करके रखा हो. तो क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कॉग्निटिव की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रा मैं बता दूंगी कि क्या क्या जो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके अंदर सिर्फ मेमोरी नहीं आती है, राइट. बहुत सारे एस्पेक्ट उसके अंदर आते हैं. तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर आपको वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर है, एक एक एस्पेक्ट आपने डेवलपमेंट का पढ़ा है, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा है, मोटर डेवलपमेंट पढ़ा है, इमोशनल पढ़ा है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ये समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा. तो लेकिन अभी आप इतना समझिए कि कॉग्निटिव जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर क्या आता है, नॉलेज आती है, कोई फैक्ट की हो सकती है, किसी इंसिडेंट की हो सकती है, कोई प्रिंसिपल का भी हो सकता है, आपने उसको याद करके रखा हो, रिकॉल करके रखा हो, ठीक है. लो भी हो सकता है और कोई थ्योरी भी हो सकती है. सो दे आर अचीव थ्रू द क्लासरूम टीचिंग और बाय द लर्निंग प्रोसेस. सो नेक्स्ट है हमारा अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव. अफेक्टिव विच इज़ बेसिकली मैंने पहले ही बताया था आपको, जो कि किससे बिलोंग करता है, हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वैल्यू एंड द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर. साइकोमोटर को कभी कभी कॉग्निटिव भी बोल दिया जाता है. सो डोंट बिट कन्फ्यूज बिटवीन साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव. दोनों चीज़ें एक दूसरे के मतलब इंटरप्लेस करके भी आ सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है. सो दे आर रिलेटेड टू लर्नर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज, कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन किया है टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, जिसमें उन्होंने कॉग्निटिव के कुछ सब पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन जिसे आप अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हो, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन,
ठीक है। और अफेक्टिव डोमेन के अंदर है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। ठीक है, साइकोमोटर डोमेन के रिपल्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, नेचुरलाइजेशन और हैबिट फॉर्मेशन। इतना डेप्थ में आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी की है वो आपसे पूछी जाती है, तो हम वन बाय वन उसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें आप देख सकते हो, हम आपको अभी चीज़ें दिखाते हैं। यस, सबसे पहला पॉइंट है हमारा नॉलेज। ठीक है, अब आप जब भी किसी बच्चे को कुछ पढ़ाते हो, ठीक है, सबसे पहले उसकी क्या चेक करते हो, है ना। एज अ टीचर जब हम लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा सबसे फर्स्ट ड्यूटी ये होती है कि वी मस्ट नीड टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो सबसे पहले हम अपने लेसन प्लान में भी डालते हैं प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, राइट। वो एज्यूम भी करके हम लोग अपना लेसन प्लान बनाते हैं, कई बार उसे चेक भी कर सकते हैं। तो नॉलेज बेसिकली रिलेटेड क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है और सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। हम सबसे पहले बच्चे को नॉलेज देते हैं, भाई उसका नाम क्या था, वो क्या चीज़ क्या थी, आपने कोई स्टोरी सुनाई, आपने करेक्टर का नाम उसे पूछ लिया, दैट कम इन टू द नॉलेज, राइट। उसके बाद आपने वो स्टोरी सुनाने के बाद बच्चों से पूछा, चलो बताओ राजा ने राम को क्यों मारा, राइट। अगर ये प्रश्न, इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे तभी आंसर कर पाएंगे जब उन्होंने उसको अच्छे से क्या किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो ये चाली वाली चीज़ें जो है अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, यानी अब उन्होंने सीखा, उनको मैसेज मिला कि गलत के साथ हमेशा क्या है ना, गलत ही होता है। भले आज उसके साथ उसको उसने गलत काम किया हो, लेकिन फिर भी उसको कोई सजा ना मिली हो, लेकिन जब समय बीतेगा एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सत्य की जीत होगी और असत्य की हार होगी। तो दैट्स मीन उसने ये मैसेज सीखा और अब वो अपने लाइफ पे अप्लाई करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे गलत काम में फंसना नहीं है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब वो अब एनालाइज कर पाएगा, वो बता पाएगा कि हाँ गलत काम करने को इस तरीके से गलत ही मिलता है, तो हमें नहीं करना है। तो वो अब चीज़ें एनालाइज भी कर रहा है। उसके बाद आता है सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मतलब होता है संश्लेषण। इसमें क्या होता है, बच्चा जोड़ पाता है। अब फॉर एग्जांपल अब उसने ये चीज़ सीख ली, अब कईयों की लाइफ के साथ उसे जोड़ पाएगा। वो ये भी कहेगा यार मेरे दोस्त ने भी कभी ऐसा किया था और उसके साथ भी बुरा हुआ है ना, मैंने भी एक बार ऐसी गलती कर दी थी तो मेरे साथ भी बुरा हुआ। यानी अब वो क्या कर पा रहा है, उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहा है, इंटरलिंक कर पा रहा है अपनी लाइफ से। वो होता है सिंथेसाइज करना और ये काफ़ी हाई लेवल पे होता है। उसके बाद है इवेल्युएशन। वो अब इवेल्युएट भी कर पा रहा है कि हाँ मैंने ये चीज़ें सीखी थी, मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट की और मुझे भी इसका बेनिफिट हुआ। ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो अब अपने आप को इवेल्युएट भी कर पा रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लर्निंग, आप देख सकते हो कुछ एक्शन वर्ब दी हुई है। आपने देखा होगा जब हम लर्निंग आउटकम्स को फ्रेम करते हैं तो हमें कुछ लर्निंग आउटकम्स इन बिहेवियरल टर्म्स में लिखने होते हैं, राइट। तो अगर हमने बच्चों को कुछ नॉलेज दी है अपने चैप्टर से तो हम क्या वर्ड का यूज़ करेंगे, हम लिख सकते हैं डिफाइन किया है उसने नॉलेज के लिए, डिफाइन, रिकॉल, सिलेक्ट, स्टेट, मेजर, रिकॉग्नाइज, लिस्ट और राइट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप बोल सकते हो एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, ट्रांसलेट, फॉर्मुलेट, क्लासीफाई, प्रेजेंट, इंडिकेट, जज और सिलेक्ट। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए आप कंप्यूट, यूज, प्रिडिक्ट, असेस, डेमोंस्ट्रेट, कंस्ट्रक्ट, फिल्ड। एनालाइज के लिए आप एनालाइज, डिस्क्रिमिनेट, डिवाइड, सेपरेट, कंपेयर, कंक्लूड, क्रिटिसाइज, जस्टिस। सिंथेसाइज के लिए आप डिस्कस, समराइज, कंक्लूड, ऑर्गेनाइज, सेलेक्ट और जनरलाइज। ठीक है, और इवेल्युएशन के लिए जज, डिफेंड, अवॉइड, आइडेंटिफाइड, क्रिटिसाइज और इवेल्युएट। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक्शन वर्ब होंगे जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके लिए कुछ भी वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगा हो, चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो, अगर कोई भी डाउट बचा हो दिमाग में तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हेलो, बाय बाय।